दोस्तों, जो बच्चे ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं उन सबकी एक ही समस्या है कि सर किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो बोर्ड ने सिलेबस डाला है उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर, इसके टॉपिक का जिक्र नहीं किया है। ये अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इसका जिक्र सिलेबस में नहीं किया गया। तो दोस्तों, ऐसे में समस्या ये है कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक आने की संभावना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो ग्राम सेवक की भर्ती हुई थी 2016 में, उसका और इस बार 2021 का सिलेबस सेम है। दोस्तों, 2016 की भर्ती और 2021 की भर्ती में सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है, यानी दोनों का सिलेबस सेम है। तो हम जानेंगे कि 2016 में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद में टाइम बचता है तो हम दूसरे टॉपिक पर ध्यान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2016 की भर्ती के अंदर मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों, उस वक्त टोटल क्वेश्चन 120 थे, इस बार टोटल क्वेश्चन 100 हैं, तो उस हिसाब से वेटेज थोड़ा सा कम कर देना आप। तो उस वक्त है मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से मैथ से 16 क्वेश्चन थे और रीजनिंग से 9। तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन थे? परसेंटेज से था 1% और लाभ और हानि से 3% थे, जिसमें से 2% थे डिस्काउंट से। सिंपल इंटरेस्ट से 2% थे, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1% था, रेशियो से 2% थे जिसमें से 1% था एज के ऊपर आधारित, उम्र वाला परसेंट था, और सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पर आधारित 2% थे। टाइम एंड वर्क से 1% था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समय चाल और दूरी से 2% थे, इसमें से 1% ट्रेन वाला था, और डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन यानी जो ग्राफ वाला था ना जिसमें हम डायग्राम बनाते हैं उससे 2% थे। अब है दोस्तों रीजनिंग, तो कोडिंग से 2% पूछे गए थे, डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण से 1% था, नंबर सीरीज से 1%, अल्फाबेट सीरीज से 1% और ओड से 2% थे। यानी आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, इनमें चारों में से आपको विषम छांटना था, ओड सेलेक्ट करना था। तो इस ऐसे 2% थे और पजल से संबंधित 2% थे। हिंदी और इंग्लिश से टोटल 20% थे, दोनों से 10-10% पूछे गए थे। तो हिंदी से उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अशुद्ध शब्द छांटना और वाक्यांश के लिए 1 शब्द, इन सब 10 टॉपिकों से 1-1% था। इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वॉइस, वॉइस का मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उससे 1% था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, इससे भी 1% था। ट्रांसलेशन यानी आपको कोई सेंटेंस है वो हिंदी में दे रखा था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, इससे भी 1% था। एरर यानी गलत वाक्य आपको सेलेक्ट करना था, आपको 4 सेंटेंस दे रखे थे उसमें से कोई भी जो ग्रामेटिकली जो गलत है वो आपको सेलेक्ट करना था। फिर था फिलिंग इन द ब्लैंक्स, इससे 3% थे। जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है दोस्तों, इसमें से 3% पूछे गए थे, एक था आर्टिकल, दूसरा था टेंस और तीसरा था प्रीपोजिशन पर आधारित। कंप्यूटर, तो दोस्तों कंप्यूटर में 10% पूछे गए थे, 2% थे शॉर्टकट की से, शॉर्टकट की आपसे पूछी गई थी। फिर 2 क्वेश्चन थे फुल फॉर्म से संबंधित, डिवाइसेस से 3 क्वेश्चन थे, स्टोरेज डिवाइसेस इनको मिलाकर इनपुट डिवाइसेस ऐसे 3 क्वेश्चन थे, और मेमोरी यूनिट से भी 2 क्वेश्चन थे, 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है, 1 निबल में कितना बाइट होता है, ऐसे 2% थे, और मॉडेम स्पीड को लेकर भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटी यानी राजस्थान राज व्यवस्था, इससे 12% पूछे गए थे, राज्यपाल से संबंधित 3% थे, पंचायती राज से 3%, विधानसभा से 2% थे, मंत्रिपरिषद, सचिव, जिलाधीश और हाई कोर्ट, इनसे 1-1% पूछा गया था। दोस्तों इसी के साथ राजस्थान इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री से केवल 2 ही% पूछे गए थे। तो हमें ज़्यादा फोकस है वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर व ज्योग्राफी पर करना है, इतिहास पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और करंट अफेयर से संबंधित भी 4 ही% पूछे गए थे, उस वक्त करंट अफेयर कम पूछा जाता था, आजकल ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस बार चांसेस है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, तो करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से टोटल 6 क्वेश्चन थे, पर्वत, महासागर, पारिस्थितिकी, जलवायु, जैसा दोस्तों इन्होंने सिलेबस में दे रखा है सेम वैसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। फिर है आर्ट एंड कल्चर,
तो राजस्थान कला और संस्कृति से 16% थे। लोक देवता, लोक देवियाँ, जैसा इन्होंने सिलेबस में दे रखा टॉपिक वाइज वैसे प्रश्न पूछे थे। हस्तकला है, रीति रिवाज है, जयपुर घराने से 2% पूछे गए थे, हवेली, दुर्ग, भाषा, संप्रदाय, नृत्य, आभूषण, इन सबसे लास्ट में एक एक प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों ऐसे 16% पूछे गए थे और राजस्थान भूगोल ज्योग्राफी से 24% पूछे गए थे। दोस्तों राजस्थान कला और संस्कृति और भूगोल इन दोनों को मिलाकर टोटल 40% पूछे गए थे। तो आप वेटेज देख सकते हो कितना ज़्यादा वेटेज है। इसमें भौतिक प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जलवायु, मिट्टी, खनिज, उद्योग, कृषि, सिंचाई, अकाल, मरुस्थल, बेरोजगारी, योजना, जनजाति, जनसंख्या, इन सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको थोड़ा आइडिया लग गया है कि किस सब्जेक्ट से हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।